गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है नॉलेज एंड करिकुलम। ये बीएड सेकंड ईयर का एक पेपर है और इसमें हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। जो 8 क्वेश्चन होंगे, जो पर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट यूनिट से 2, सेकंड यूनिट से 2 क्वेश्चन, थर्ड यूनिट से भी 2 क्वेश्चन और फोर्थ यूनिट से भी 2 क्वेश्चन ही रहेंगे। और जो आपके मेन क्वेश्चन रहेंगे वो हम बताते हैं। फर्स्ट यूनिट से पहला क्वेश्चन रहेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपकी टीचिंग, आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग स्किल्स एंड एजुकेशन के साथ उसका रिलेशन क्या है, वो जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से वो रहेगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी एंड टैगोर इन रिलेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक्टिविटी डिस्कवरी एंड डायलॉग्स। ये आपका फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा सेकंड यूनिट से रहेगा वो है द रोल ऑफ कल्चर इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये थर्ड क्वेश्चन रहेगा। और जो फोर्थ क्वेश्चन सेकंड यूनिट से इम्पोर्टेंट रहेगा वो है अ स्टडी ऑफ सेक्रलिज्म, नेशनलिज्म एंड यूनिवर्सलाइजेशन एंड देयर इंटरेक्शन विद एजुकेशन। ये हमारा जो है सेकंड यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बात करें थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट से जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, डायमेंशन ऑफ करिकुलम, देयर रिलेशनशिप विद एम्स ऑफ एजुकेशन। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फिफ्थ। और जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमी। ये जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा थर्ड यूनिट से। फोर्थ यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सेवन्थ क्वेश्चन रहेगा ये, जिसमें टीचर्स एक्सपीरियंस एंड कंसर्न लेबोरेटरी वर्क, लाइब्रेरी एंड रेफरेंसेस, जिसमें आपका फील्ड वर्क, आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगी। और लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो एट, वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, कंसेप्ट नीड एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये आपके 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्हीं में से बच्चे आपने जो है असाइनमेंट बनाने हैं। कोई भी 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पे आपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है, जो कि आपका वर्क रहेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आज हम जिस फर्स्ट क्वेश्चन पर जो है एक्सप्लेनेशन देंगे वो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा नॉलेज बेसिक्स ऑफ एजुकेशन, टीचिंग ट्रेनिंग, लर्निंग स्किल एंड बेनिफिट्स एंड एजुकेशन। देखिए बच्चे, शिक्षा के ज्ञान आधार, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम, कौशल, विश्वास और शिक्षा का कंसेप्ट, शिक्षा का संपर्क हम जो है वो पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा शिक्षण, जिसको टीचिंग भी बोल देते हैं। देखिए बच्चे, अध्यापन का जो कार्य है वो शिक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। यह एक सहज प्रक्रिया हम इसको नहीं बोलेंगे। टीचिंग अपने आप में काफ़ी जो है इफेक्टिव और मीनिंगफुल एक प्रक्रिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बच्चे जो है कहीं ना कहीं पूर्ण ज्ञान और अपने व्यावहारिक ज्ञान को जो है आगे बढ़ाते हैं।
अगर देखा जाए तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर एक वातावरण में घटित होती है। टीचिंग का अगर बात करें तो इसमें जो है तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर, अध्यापक, इसके साथ साथ स्टूडेंट, और थर्ड हमारा जो हमारा करिकुलम होता है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। इन तीनों चीज़ों को मिला के ही एक जो है टीचिंग वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव बनती है, और ये जो है हमारे टीचिंग के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेंटर्ड पॉइंट हम इसको बोलेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। टीचिंग के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं केंद्र जो है पात्र इसके कहे जाएंगे। अगर बात करें टीचिंग में एक अध्यापक क्या कार्य करता है, सबसे पहले छात्रों को वो ज्ञान प्रदान करता है, कुछ कौशलों का ज्ञान देता है, यानी कि उनके अंदर स्किल डेवलप करता है, साथ साथ छात्रों के दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं वो क्या करता है, परिवर्तन करता है। एक छात्र का जो दृष्टिकोण होता है, जो नज़रिया होता है, चीज़ों को देखने का तरीका होता है, उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन करता है। छात्र इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो जो है डिस्कवरी मेथड को भी इसके अंदर जो है यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो है टीचिंग अपने आप में कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्टिव प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार को विकसित करता है। इसमें टीचिंग में जो है कहीं ना कहीं छात्र के व्यवहार में जो है बड़ा परिवर्तन आता है, और जीवन में कुछ अनुभव भी प्रदान करते कराता है ये टीचिंग, और साथ साथ उन्हें कुछ जानकारी भी देता है। नॉलेजफुल मीनिंगफुल जो है बनाने में कहीं ना कहीं ये सहायक होता है। अगर शिक्षण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं आपको बताएं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, एक अध्यापक सच्चे अर्थ में एक बच्चे को दीपक के समान ज्ञान प्रदान कर रहा होता है, और वो दीपक आने वाला भविष्य है, और वो अन्य दीपकों को अपने दीपक के माध्यम से प्रज्वलित करता है। तो कहने का मीनिंग ये है, एक अध्यापक कहीं न कहीं आने वाले भविष्य का निर्माता रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम जॉन डीवी महोदय के बारे में बात करें, टीचिंग को लेके उनका क्या विचार था, देखिए वो कहते हैं कि टीचिंग एक ऐसी कला है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, ये तो व्यक्ति के व्यवहार में होता है, और जो अभ्यास से निखरता है। ये टीचिंग के बारे में जॉन डीवी का थॉट प्रोसेस रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टॉम्स एम ग्रीन महोदय की, तो उन्होंने क्या कहा है, टीचिंग बालक के, यानी कि जो है शिक्षण बालक के विकास में क्या है, सहायक है। यानी कि टीचिंग से हम कहीं ना कहीं बच्चे के जो है डेवलपमेंट करते हैं, बच्चे के संदर्भ में जो है जानकारी देते हैं, तो टीचिंग अपने आप में काफ़ी एक जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम बच्चे का एक नवीन भविष्य जो है वो क्या करते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। अगर बात करें नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर क्या है, इसकी जो है प्रकृति क्या है, देखिए शिक्षण एक पक्षीय नहीं होता, मींस टीचिंग इज नॉट वन साइडेड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टीचिंग में जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। क्या कि एक तो इसमें छात्र का होना ज़रूरी है जब टीचिंग हम कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों से हमें कम्युनिकेट करना होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है। जब तक हम अपने विचारों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बच्चे तक नहीं पहुँचाएँगे, तब तक हमारा टीचिंग कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक जैसा कि हमने थोड़ा टाइम पहले भी बताया कि हमारे पास पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं है
तो कहीं ना कहीं हम एक टीचिंग में क्या है, पिछड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षण एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं। इसके साथ साथ बात करें, शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है। टीचिंग इज नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी। देखिए, अगर हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसमें हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि टीचिंग के माध्यम से हम बालक का हर तरह इंटायर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, सर्वांगीण विकास कर रहे होते हैं, उसका शारीरिक विकास कर रहे होते हैं, उसका बौद्धिक विकास कर रहे होते हैं, उसका नैतिक विकास कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ टीचिंग के माध्यम से ही हम उसका आध्यात्मिक विकास भी कर रहे होते हैं। तो टीचिंग में कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो टीचिंग एक कहीं ना कहीं अपने एक दायरे में होती है, और टीचिंग जब कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई अपना एक रूल और रेगुलेशन होता है। इसके साथ शिक्षा या शिक्षण समय और स्थान से जुड़ा हुआ रहता है। टीचिंग इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीचिंग एक स्थान से भी जुड़ा होता है और एक समय से भी जुड़ा होता है। देखिए, टीचिंग का कोई निश्चित समय ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी समय टीचिंग को करने लग जाएं। इसका एक निश्चित समय होता है, और इसके साथ साथ कोई स्थान भी, यानी कि टीचिंग के लिए अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो एक ऐसा जो है विद्यालय या प्रांगण होना जहाँ पे हम इफ़ेक्टिव तरीके से अपने टीचिंग प्रोसेस को कर सकें। तो टीचिंग उसी तरीके से जो है होता है जिस तरीके से हम मानवीय और घटनाओं को और घटनाओं के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त कर रहे होते हैं। साथ साथ टीचिंग के लिए जो है स्थान का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, और ये चीज़ें हमारे भारत में ही नहीं अपितु हम हर जगह देखते हैं, चाहे हम किसी विश्व के किसी भी देश का एग्जाम्पल ले, ठीक है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट है, शिक्षण एक कला है, टीचिंग इज एन आर्ट। देखिए, ऐसा नहीं है कि टीचिंग कोई कला नहीं है, कला है, क्योंकि टीचिंग में हमें हर चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना होता है। हर चीज़ को हम जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे होते हैं, तो टीचर कहीं ना कहीं समाज के लिए क्या है, एक आइकॉनिक होता है और अपने छात्रों का रोल मॉडल होता है। जब तक एक अच्छा शिक्षण नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट ना ही सोसाइटी पे पड़ेगा और ना ही विद्यार्थी पर पड़ सकता है। तो टीचिंग अगर देखा जाए तो अध्यापन करते वक्त एक टीचर को उसमें क्या करना होता है, उस कला में निपुण होना पड़ता है, डूब जाना पड़ता है। जब हम कोई लेक्चर प्रोवाइड करा रहे होते हैं बच्चों को, तो वो बच्चों को इतना इफेक्टिव लगे ताकि बच्चे उसमें बंधे रहे। तो जो अध्यापक बच्चों को बांधने में सक्षम है, बच्चों को स्वतंत्र तरीके से जो है टीचिंग में इफेक्टनेस डालने वाला हो, तो वो कहीं ना कहीं अध्यापक अपने आप में उसकी टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव भी रहती है। तो नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षण एक कला है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को हम एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षण जो है के अंदर सचेतन और अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। मींस टीचिंग इज बोथ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस। देखिए, टीचिंग की एक विशेषता रही है, एक पार्ट रहा है कि इसमें चेतना और अचेतना दोनों प्रकार की ये प्रक्रियाओं को लेके चलता है। नेक्स्ट, अध्यापन क्रियात्मक प्रक्रिया है, टीचिंग इज टास्क ओरिएंटेड। देखिए, अध्यापन एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ये जो है कॉन्टिन्यू प्रोसेस से चलता रहता है। इसमें जो है हम कुछ चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं,
और हमारे टीचिंग को लेके कुछ ना कुछ उद्देश्य भी होते हैं, ऐसे जो है टीचिंग नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ क्रियात्मक चीज़ों को लेके भी हो रहा होता है। नेक्स्ट है शिक्षण विज्ञान के रूप में, टीचिंग एज अ साइंस। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो है टीचिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया इसीलिए है, इसमें कुछ सब्जेक्ट होता है, कुछ कम्युनिकेशन होता है, साथ साथ जो है फीडबैक भी इसके अंदर शामिल होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी विशेषताएं सेम साइंस में भी होती है, विज्ञान में भी होती हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षण अपने आप में एक विज्ञान भी है। नेक्स्ट है शिक्षण निरंतरता के रूप में, देखिए टीचिंग एज कॉन्टिन्यूस। देखिए शिक्षण के अंदर कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हम कुछ व्यक्तियों के व्यवहार को बदलने का भी काम कर रहे होते हैं, और वो कब हम चेंज कर सकते हैं, जब टीचिंग के अंदर निरंतरता हो, टीचिंग के अंदर वो प्रोसेस हो जिसको स्टूडेंट एडॉप्ट करें और उसको अपने व्यवहार में लेके आए, तभी हम एक जो है टीचिंग के अंदर निरंतरता के कंसेप्ट को इंक्लूड करके चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो शिक्षण कहीं ना कहीं निरंतरता के रूप में भी आवश्यक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक अच्छे शिक्षण के बारे में, एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में, तो देखिए टीचिंग एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस टीचिंग प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक गुण भी शामिल होते हैं, टीचिंग में क्रिएटिविटी भी होती है, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनशीलता भी जो है टीचिंग में होती है, साथ साथ प्रगतिशील थॉट प्रोसेस भी जो है टीचिंग में होता है, और उत्तेजकता भी जो है टीचिंग में पाई जाती है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ मनोवृत्तियाँ भी जो है टीचिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट मानी गई है। कंक्लूजनली वे से निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है, विज्ञान है। टीचिंग का जो स्किल है, जो प्रक्रिया है, वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये प्रक्रिया उन सिद्धांतों को लेके ही आगे बढ़ती है। अगर टीचिंग को लेके हमारे कुछ एम्स नहीं हैं, तो टीचिंग शिक्षण नहीं हो सकता। और टिल द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब शिक्षण हो रहा होता है, तो उसमें जो है आपकी अध्यापक, आपका पाठ्यक्रम और विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। आज के लिए बच्चे हमारा टॉपिक यही है, बाकी हम कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।